अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के खंडारी कैंपस में 3 दिवसीय अरहम ध्यान योग शिविर का आयोजन किया गया। अरहम ध्यान योग के दूसरे दिन अमित जैन ने योग शिविर में आए साधकों को तनाव दूर करने के गुर बताए। भाग दौड़ भरी जिंदगी और मिलावटी खान पान से लोग बीमार हो रहे हैं। गलत खान पान और अनियमित दिनचर्या लोगों को साइलेंट अटैक, बीपी, डायबिटीज और मानसिक तनाव जैसी बीमारियों में जकड़ रही है। अगर आपको फिट रहना है तो योग क्रियाओं के माध्यम से आप खुद को निरोग और तनाव मुक्त रख सकते हैं। लोगों को तनाव मुक्त और चुस्त दुरुस्त रखने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के खंडारी कैंपस में 3 दिवसीय अरहम योगशाला में योग क्रियाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। उससे हमेशा मिले, उसका सामना करें। आज का सेशन हमारा स्ट्रेस के ऊपर था, जो कि जबलपुर से पधारे डॉक्टर अमित जैन द्वारा लिया गया और बहुत ही सुंदर तरीके से आज स्ट्रेस को किस प्रकार से हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं, किस प्रकार से हम जो हमारी जीवनचर्या बन चुकी है एक एक चीज़ों को तनावपूर्ण लेने की करने की, उससे हम कैसे अपने आप को निजात पा सकते हैं और कैसे अपने जीवन को बिल्कुल रिलैक्स होकर छोड़ सकते हैं, इस प्रकार से पूरा प्रशिक्षण डॉक्टर अमित जैन द्वारा दिया गया और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने सबकी शंकाओं को भी सुना। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय द्वारा 21 जून जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ये योग महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ये अरहम ध्यान योग पर 3 दिन की पाठशाला है और इसमें मेडिटेशन, हाइपरटेंशन, बीपी और डायबिटीज़ ये मेन पार्ट हैं जो आदमी की दैनिक दिनचर्या में अक्सर देखने को मिलते हैं। इन सब का निदान कैसे हो, तो एक विशेष टीम अरहम ध्यान योग हमारे यहाँ पर आई हुई है और हम सभी लोगों के सहयोग से ये पाठ्यक्रम यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। योग शिविर के दूसरे दिन योगाचार्य डॉक्टर अमित जैन ने अरहम योग की क्रियाओं का अभ्यास साधकों को कराया। इसके साथ ही उन्होंने सभी योग साधकों को योग के गुण भी बताए। योग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक मन स्थिति और परिस्थिति में योग नहीं बनता है, मन स्थिति अलग जाती है, परिस्थिति अलग जाती है, तो हमारा तनाव रहता है। तो हम अरहम ध्यान योग में यही चीज़ बताते हैं कि ध्यान से मन स्थिति को कैसे कंट्रोल करें और योग से आपकी शरीर क्षमताओं का विकास कैसे होता है, तो इससे आप स्ट्रेस ज़्यादा अच्छे से फेस कर पाते हैं। तो जब मन स्थिति और परिस्थिति को हम आपस में सामंजस्य बैठा पाते हैं तो हमारा तनाव और स्ट्रेस कम हो जाता है। आपको बता दें कि आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत के साथ दुनिया भर में 100 से अधिक देश कदम ताल मिलाकर योग क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। योग क्रियाओं का अभ्यास किस तरीके से व्यक्ति को निरोगी और प्रसन्नचित रख सकता है, ये इस अरहम योग शिविर का मुख्य उद्देश्य है। सी न्यूज के लिए आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।